हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं छुपने वाली हूँ एक बहुत ही बड़े मॉल में और मुझे ढूंढने वाली है मेरी बहन, जिसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक घंटा। तो चलो अब हम चल के छुपते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर और मॉल के अंदर आते ही मुझे यहाँ पर सामने एक जगह दिख रही है छुपने के लिए, और अंदर जाके हम पहले बात करते हैं फिर यहीं पर छुपेंगे। एक्सक्यूज मी अंकल, अंदर जा सकती हूँ? कितना? 100 रुपए चार्ज अंदर जाने के। ठीक है। तो गाइज मुझे एक घंटे का टाइम मिला और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही काफी है और पूरे मॉल में ढूंढना है मुझे। तो चलो चलते हैं, अभी तक तो वो शायद छुप भी गई होगी। चलो चलो चलो। मैं एक बहुत ही सेफ जगह पर आकर बैठ गई हूँ, बिल्कुल अंदर में, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो आ भी पाएगी। और बस यहाँ से मुझे डर है कि यहाँ से मैं देखी ऊपर से, बस इस बात का डर है, बाकी तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ यहाँ पे। गाइस मुझे समरीन मिल चुकी है और मैं जीत चुकी हूँ, वो मेरे हील के नीचे चिपकी हुई है, ये देखो ये। यार बहुत ज्यादा ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा है मेरे लिए, डर भी लग रहा है, पता नहीं कहीं से आ भी ना जाए। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहूंगी, फिर जगह चेंज करूंगी अपनी। अब ज्यादा स्लाइड लाइड नहीं करूंगी, चोट भी लग गई। वाह मजा आ रहा है। अब डर लग रहा है, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब कहीं और जगह ढूंढते हैं कोई छुपने की। एक काम करती हूँ ऊपर जाती हूँ, ऊपर ढूंढती हूँ। चलो तो गाइज अब बस कोई अच्छी जगह मिल जाए मुझे छुपने की, जो मैं छुप जाऊँ। पता नहीं कहाँ पे छुपूंगी यार, और वो कहीं यहाँ पे दिख ना जाए। ओह नो यार, वो मुझे दिख रही है। रुको 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 रुको। अरे यार ये तो वहीं पे खड़ी जहाँ पे मैं छुपी थी। अरे यार इधर तो वॉशरूम है, वॉशरूम में क्या करूंगी। लेकिन मैं वॉशरूम में जाकर छुप सकती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो वॉशरूम में आ गई तो। लेकिन चलो फिर भी अभी के लिए वॉशरूम में छुपूंगी। गाइस मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हूँ। भैया वो ना इस साइड है ना इस साइड है, पता नहीं किस साइड छुपी हुई है वो। मेरी टांगे टूट चुकी हैं अब तो। अभी वॉशरूम में तो आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सबसे सेफ जगह पे हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बंद हूँ, यहाँ पर तो कोई आ भी नहीं सकता है। और मुझे नहीं लगता कि वो भी वॉशरूम में आएगी नहीं, उसको पूरा मॉल इतना बड़ा दे दिया मैं ढूंढने के, वो वॉशरूम में भी आएगी कि नहीं। इसमें शॉप वॉप भी देखती जा रही हूँ, किसी शॉप में भी नहीं है वो। हर जगह देख रही हूँ यार, कहीं नहीं मिल रही वो मुझे। यहीं पर बैठेंगे थोड़ी देर और आराम से बोलूंगी ताकि वो सुन ना ले अगर बाहर भी होगी तो। थक गई यार बहुत ज्यादा, तो अब मुझे थोड़ा बंद बंद सा हो रहा है यहाँ पे, अब नहीं बैठा जा रहा है, ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी, अब मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ से चल के अब और छुपते हैं। मैं निकल चुकी हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस साइड नहीं जाऊँगी जहाँ से मैं आई थी, अभी मैं जाऊँगी इमरजेंसी एग्जिट से। ये मुझे लग रहा है कि अभी के लिए सेफ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो आएगी नहीं। तो चलो यहीं पर चलते हैं। मैं जा रही हूँ बस से ढूंढने उसको, और उसके बाद मैं उसके फेवरेट स्पॉट्स पे जाऊँगी जहाँ वो इस मॉल में आके जाती है। अब मैं इस बस से चारों तरफ देखूंगी, जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ वहाँ देखूंगी कि वो है या नहीं। तो मैं इमरजेंसी एग्जिट तो आ गई हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी एग्जिट कम, ये तो एक भूतिया स्कूल लग रहा है, अजीब सा हॉस्पिटल जैसा लग रहा है, पता नहीं। अंकल एक मिनट, मुझे भी जाना है, बहुत कम टाइम है, मुझे जल्दी जाना होगा। भैया इस लड़की को देखा? तुझे देखा तो ये जाना सनम। अभी देखा कहीं? नहीं देखा, पता नहीं कहाँ गई है, जो कोई देख ही नहीं रहा उसको। चलो बाय। और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है, सब मुझे गधी समझेंगे कि कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की है जो यहाँ से घूम रही है। हाँ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और मुझे लगता है कि इमरजेंसी एग्जिट में लोगों को आना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आ गई हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऊपर चल के देखते हैं। यार कहाँ छुपी हुई है ये? तो मैं चलते चलते सेकंड फ्लोर पे आ गई और यहाँ का गेट मुझे दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहीं से निकलना सेफ रहेगा अभी के लिए, और चलते हैं यहाँ से। गाइस मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जगह, मतलब कोई ऐसी जगह है नहीं, सब बंद बंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो यार, वो किधर की साइड जाके छुपी हुई है। गाइस कहीं तो मिल जाए वो, मैं परेशान हो रही हूँ प्लीज। अरे यार वहाँ देखो वहाँ देखो वहाँ देखो, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वो सामने ही दिख रही, मुझे बस उसकी नजर ऊपर न चली जाए। चलो यहाँ से चलते हैं। तो अभी आ गई थी मैं गलती से कहीं और फ्लोर पे, चलो फिर से चलते हैं। लिफ्ट बंद बंद, लिफ्ट में लॉक हो गई, कहीं उसने लिफ्ट वाले से बात की, मुझे लॉक तो नहीं करवा दिया, हर लिफ्ट को बंद तो नहीं करवा दिया। तो गाइज मुझे समरीन इतनी आसानी से मिल तो नहीं रही है, लेकिन मैं यहाँ लोगों से पूछती हूँ, क्या पता उन लोगों ने पूछना देखा हो समरीन को। चलो उसकी फोटो दिखाते हैं। भैया आपने इस लड़की को देखा है मॉल में? वैसे देखा है ऐसे आते हुए, इतना पता है इनको कि मेरे साथ आती, लेकिन अभी नहीं देखा। इधर आओ इधर। सब क्या हो रहा है यार, हादसा हो गया, मैं लिफ्ट में फंस गई थी बहुत गंदा, फिर लिफ्ट वालों को कॉल किया मैंने, भागो।
उसको देखा है? हाँ भी देखा था। कहाँ पे? कहाँ पे देखा था जल्दी बता दो। यहीं कहीं घूम रहे थे। कितनी देर पहले? उनके साथ एक और थे। हाँ कहाँ, मतलब किस साइड गई थी? इधर की साइड ही गई। गाइस मुझे पता चल गया है, ये भैया बता रहे कि वो इस साइड गई थी। आओ इस साइड देखे, इसके अंदर तो नहीं छुप गई या फिर इसके नीचे तो नहीं छुप गई। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे पैंटालून में, और यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि शॉपिंग करने के बहाने से ना कहीं पर ऐसी जगह पर देखती हूँ कि छुप के बैठ जाती हूँ। और ये जगह काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे मुझे छुपने की अच्छी जगह मिल सकती है। कभी कपड़ों के बीच में भी छुप सकती हूँ मैं यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर तो कहीं पर आएगी भी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर खुला घूम सकती हूँ। गाइस अभी मैं जा रही हूँ बिग बाज़ार। कहीं इसमें तो नहीं, ये समरीन के पैरों की छाप यहाँ पर क्या कर रही है? खुल जा खम्बा गणी। खुल गया? ओ भाई, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं बच जाऊंगी। मैं बहुत ही अच्छा खेल रही हूँ आज का गेम। अब मुझे बहुत भूख भी लग रही है यार, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। तो चलो पहले चल के कुछ खाते हैं। अच्छा ये होगा कि हम अंदर जाकर कहीं छुप कर खा पी ले कुछ। आ जाओ, माइनस वन पे आ गए हैं हम लोग, और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मुझे समरीन यहाँ मिल सकती है। ये कहाँ आ गए हम? पता नहीं कौन से मॉल में कौन सा रास्ता है, ये कौन सी जगह आ गई। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग हैं, इतने लोग हैं नहीं अभी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मैं यहाँ पर छुप सकती हूँ। पहले तो आराम से यार मैं कुछ खाऊंगी, कहाँ पे बैठूँ? हर फ्लोर पे जाके देखना पड़ेगा क्योंकि इस बारी मेरी टांगे टूट चुकी हैं। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं फूड कोर्ट में जाती हूँ और वहाँ ढूंढती हूँ, देखती हूँ वहाँ है या नहीं है। खाना भी नहीं आया यार अभी तक। कहाँ है, मिल जाओ। यहाँ तो खाली है भाई, किधर है? गाइस ये कहीं भी नहीं दिख रही मुझे, कहीं नहीं है यार। गाइस मैं अब जा रही मॉल के बाहर ढूंढने की, वो भी एक मॉल का हिस्सा है, तो क्या पता वहाँ जाके छुपी हो, क्योंकि वहाँ भी जाकर वो बैठती है बहुत बारी, और उधर भी छुपने की बहुत जगह है। वो मुझे कहीं नहीं मिल रही और मैं अब हार मान रही हूँ यार। अब एक लास्ट जगह मिली है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पर है वो। मैं दोबारा जा रही हूँ मॉल के अंदर, वहीं ढूंढती हूँ। बाहर तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही है, वॉशरूम भी नहीं देखा अभी, तो चलो वॉशरूम देखते हैं। गाइस मैं जा रही हूँ वॉशरूम में एक बार चेक करने, क्योंकि वो मेकअप वेकअप टचअप करने आती है, तो पक्का इधर ही होगी। देखना है कि आप मिलती है कि नहीं। मैं थक गई यार। अब बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास, और मुझे लग रहा है कि वो मुझे ढूंढ नहीं पा रही, उसको बहुत मुश्किल भी हो रही ढूंढने में। तो क्यों ना मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ यहाँ पे। आओ अब मुझे एक हिंट देते हैं, और हिंट ये होगा कि मैं भी लूंगी यहाँ से आइसक्रीम और उसकी पिक्चर भेजूंगी। अब इसकी मैं पिक्चर भेजूंगी उसको, और ये होगा एक बड़ा हिंट। गाइज मेरे पास उसका अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो आइसक्रीम खा रही है, मतलब वो यहीं पे है। भाग के जाना पड़ेगा, वो है मैगडी के पास, भागो। तो मैंने खा ली, अब मैं ऑर्डर करूंगी कोल्ड कॉफी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये यहाँ पर है। कहाँ जाओगी? एक कैमरा बता नहीं सकते थे जब देख रहे थे तो। एक कैमरा मैन हायर कर रखा है तुमने? हाँ अरे यार सब यहां हो गया। मैं और सबसे अच्छी बात जो मैं ये चैलेंज जीती हूँ ना, वो समरीन की वजह से यार। लास्ट टाइम पे मैं जीत गई यार। पहले बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि ये मुझे पकड़ेगी, तो मैं बिल्कुल फ्री घूम रही थी, और मैंने गलती कर दी हिंट भेज के इसको। अरे यार मैंने ये क्यों सोचा कि वो इसी फ्लोर पे हो सकती है, और कहाँ से आई हो तुम अभी? वॉशरूम में थी। और वो छोड़ो मैं कितनी डम हूँ, आइसक्रीम भी मैंने खा ली, यहीं पर हिंट भी दे दिया, और मैं यहीं पर खड़ी हूँ अभी और ऑर्डर करने के लिए। बहुत ही कम बुद्धि है ये, इसे एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो यहाँ पे हो सकती है, और मैं यहाँ इसको वॉशरूम में नहीं आई थी। मैंने खुद हिंट दिया है तो मैं ही जीती हूँ यार। ये तो कोई बात नहीं यार, ये ऐसे चीटिंग हो रही है। नहीं यार आप लोग बताना है कि कौन जीता है, मैं या फिर समरीन, क्योंकि मैंने हिंट दिया। मेरे हिसाब से मैं जीती हूं, मैं ही जीती हूं। मैं यार मेरी टांगे टूट गई यार, और मैं कहां छुपी हूं? आप लोगों को दिखाई होगी मैं कहां आपको छुपी थी यार, मैं नहीं कर रही ये चैलेंज। तो हम लोग तो ऐसे झगड़ते रहेंगे कौन जीता, मैं जीती और ये बोलेगी कि ये जीती, लेकिन अब इसका फैसला आप लोग करोगे। आप लोग बताओ कमेंट में कि मैं जीती हूँ या ये। तो बस यही पे खत्म होती है हमारी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सर को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अभी तो हमने हाइड एंड सीक यहाँ इस मॉल में किया है, आप अगर चाहते तो हम इससे भी बड़ी जगह पे कर सकते हैं अगर आप लोग बोलोगे तो। हाँ तो इस वीडियो को आप लोग पहुंचा दो 100 के लाइक्स तक, अगर 100 के लाइक्स आ गए तो हम कहीं और बड़ी जगह जाकर ये चैलेंज करेंगे। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करो, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।